हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी टुक टुक व्लॉग। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसे कि मैं बताई थी कि घर का वीडियो मैं शेयर करूंगी, तो उस टाइम जब हम वहां से आए तो बहुत रात हो चुकी थी, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। सो उसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो है मेरे घर की, जो कि अभी मॉर्निंग का है। मैं जैसे ही उठी और मुझे लगा कि अभी वीडियो बनानी चाहिए, अभी सही टाइम है, तो अभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ सोची। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ अपने घर, पूरे घर की वीडियो अभी नहीं शेयर कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं कुछ जो चीज़ें हमारे घर पर लगी हुई है उन सब के बारे में आपको बताऊँगी। तो ये है फ्रेंड्स, ये है कपास का पौधा या पेड़ बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखाऊंगी मेरी कोला मतलब बाड़ी की वीडियो, तो आप बने रहिए। देखिए कितना अच्छा सब कुछ लगा हुआ है इस टाइम। मैं तो खुशी हो गई, सरप्राइज हो गई कि मेरे घर वाले इस टाइम मेरे बाड़ी को या मेरे कोला को कितने अच्छे से हरा भरा सजा के रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले टाइम पर जब आई थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, और मैं हमेशा चाह रही थी कि मेरे कोला में ये सब चीज़ लगा रहे। तो ये मूली लगाए हैं, बहुत अच्छा है, ताज़ा ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये है, ये क्या है, मैं ये क्या बोलते हैं इसको, क्या सेमी, हाँ सेमी, सेमी का पौधा है, सेमी का लता जो भी बोल सकते हो। पौधे बैंगन लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, बहुत कुछ लगाए हैं। इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ अपनी बाड़ी को, कोला को देख कर। बैंगन, पपीता इतने सारे लगे हैं ना कि कभी भी तोड़ के खा सकते हो, वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और बस पपीता पकते जाते हैं। और मैं पपीते का भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी वीडियो पे बने रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत कुछ लगा है, अरहर का पेड़ है, मटर लगा हुआ है, टमाटर, मिर्ची, धनिया, और क्या है वो मेथी का, केला, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कोला इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। पिछले टाइम पे क्या हुआ था कि जो चीज़ें अपने से उगी रहती है ना, उनको भी उखाड़ के फेंक देते थे, नहीं फल रहा है करके। लेकिन इस टाइम ना अपने से ये सब चीज़ लगाई है ना, मेहनत की है ना घर वाले की, बड़ा ही मस्त लग रहा है। एक मैंगो का भी पेड़ है जो बहुत छोटा है अभी, पर वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। तो अगर मेरा वीडियो ऐसे ही चलता रहा ना, और मैं सही सलामत रही, तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ये है तुलसी का, तुलसी आप जानते हो कि सभी घर में पाया जाता है। तुलसी कितनी अच्छी फ़ायदेमंद वाली पौधा है, आप तो सभी जानते ही होंगे। और बहुत कुछ लगा है फ्रेंड, एक एक चीज़ मैं नहीं बता सकती, पर बहुत सारी चीज़ें लगी है, मतलब मन खुश हो गया इस टाइम यहाँ पे। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे कोला में, मेरी बाड़ी में ये सब चीज़ लगी हो, हरी भरी हो, कितनी अच्छी लगती है। देखिए ये केला है, ये केला, आम का सब कुछ लगा हुआ है, और केला तो कई बार फल भी चुका है। देखिए पपीता, कितने सारे पपीता है, कुछ पके हैं और कुछ पक के खा भी लिए, और कुछ अभी कच्चे हैं। देखो मिर्ची, छोटी छोटी पौधे हैं पर बहुत सारा मिर्ची फला है, देखिए। अरे वाकई भी तीखी होगी, मुझे तो ज़्यादा मिर्ची खानी अच्छी नहीं लगती है, पर कुछ लोग होते हैं ना, मेरी सिस्टर। आइए देखिए मिर्ची, मिर्ची कितना अच्छा लगता है ना दाल के तड़के में लगा के खाने से। मिर्ची, ये छोटी सी पौधा है, एकदम छोटी सी, पर इसमें बहुत सारी मिर्ची फली हुई है, देखो बहुत सारा मिर्च। और पपीता तो ऐसे ही गिरे पड़े रहते हैं, गिर ऐसे ही पक के गिर जाते हैं, या फिर कच्चे होके ही गिर जाते हैं, कच्चे कच्चे भी गिरते हैं, पके पके भी गिरते हैं। करेले का भी है, करेला, करेले का भी लगता है। और ये पता नहीं अपने से ही हुआ, इसको तो लगाए नहीं होंगे, करेला, हाँ देखिए करेले का, करेला भी कई बार तोड़ के खा लिए बोल रहे थे। अरे वाह इतना अच्छा है, घर की चीज़ों में अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर की चीज़ें खरीदते हैं हम खरीदने को, पर क्या पता उसमें क्या दवाई लगा हुआ है, क्या चीज़ से बना है, पता नहीं चलता, हम खाए जाते हैं।
और घर की चीज अलग ही होती है, घर की चीज में अलग ही मजा आता है। सब्जियों में फ्रूट्स सारे चीजों की बात कर रही हूँ। करेला, करेला दो जगह पे लगा है, पीछे पपीता है, देखिए कितने सारे लगे हैं। तो बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पेड़ हैं। भी लगा है। तो मुझे तो इन सब गार्डनिंग की बहुत ज़्यादा शौक है, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सब नहीं होता। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।